नमस्ते अय जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज मैं मणिपुर चक्र क्यों ज़रूरी है, क्यों उसकी ऊर्जा को संभाले रखना ज़रूरी है, क्योंकि मणिपुर चक्र आपके शुक्र से जुड़ा हुआ है। पहला, ज्योतिष में जाए तो शुक्र से जुड़ा हुआ है। शुक्र मतलब कि मान सम्मान, वैभव, लग्जरी, सुंदरता, खूबसूरती, इन सबसे जुड़ा हुआ है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जहाँ आपके जीवन में धन संपत्ति की अचानक से कमी होने लगी है, आपके जीवन में पहले पॉपुलैरिटी थी, वो पॉपुलैरिटी कम होते जा रही है, आपका मान सम्मान कम होते जा रहा है या मिल ही नहीं रहा है, तो आप समझ जाना मणिपुर चक्र वीक है, मतलब शुक्र वीक है। तो शुक्र और मणिपुर चक्र को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा से भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज कुछ तरीके बताऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मणिपुर चक्र को बैलेंस करना सिखाऊंगा, मणिपुर चक्र की ऊर्जा को इन्हेंस करना सिखाऊंगा, मणिपुर चक्र की ऊर्जा को हम कैसे ऊपर की ओर ला सकते हैं, कैसे उसे बढ़ा सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के जीवन में मणिपुर चक्र वीक हो चुका होता है। कारण, वासना। कैसी वासना? नहीं, वो वासना नहीं जो दिमाग में बैठा हुआ है, लस्ट वासना या काम सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर की तरफ नहीं होता, ये आज के समय में सेक्सुअल डिज़ायर से कहीं आगे, भूख, खाना, मन की कोई लालसा, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको आवश्यकता से अधिक चाहिए, कोई भी ऐसी भौतिक वस्तु जिससे एक आवश्यकता से, मतलब एक आवश्यकता होती है, जैसे खाने की दो रोटी की आवश्यकता है, आप चार पांच छह रोटी खा रहे हो, ये क्या है? वासना है। खाना पेट भर चुका है लेकिन अब क्या चाहिए? दो दो गुलाब जामुन चाहिए, ये क्या है? वासना है। कंट्रोल जब छूटता है, और सबसे पहला आज के समय में जो कंट्रोल छूट रहा है वो इंसान का काम वासना से भी कहीं आगे, भूख वाली वासना, क्योंकि खाने की बहुत ज़्यादा अधिकता हो गई है अभी के समय में, खाना पर्याप्त से कहीं ज़्यादा उपलब्ध है, होटल्स रास्ते में है, ठेले रास्ते में है, घर में आने के बाद मम्मी खाना परोस रही है, फिर रात को निकल के दोस्तों के साथ गिरे, फिर कुछ खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, तो ये सब आपकी वासना को बढ़ा रहा है। सबसे पहले ये अपनी वासना को फीड कर रहा है, वासना को भोजन दे रहा है, और साथ में फिर जितने बार उसे वो फीड करता जा रहा है उतना ही ये वासना को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो अब आप कारण समझ चुके हो क्यों मणिपुर चक्र सबका वीक होता जा रहा है, ज़्यादातर लोगों का मणिपुर चक्र वीक हो रहा है। सबसे पहले मैं उनके लिए बताऊंगा जो लोग हीलर हैं वो क्या करें, दूसरे नंबर में ये बताऊंगा कि जो नॉर्मल योग करते हैं, योगी हैं, वो क्या करें, और तीसरे नंबर पे ये बताऊंगा कि आम जनता, आम लोग जो ना योग जानते हैं, ना हीलिंग साइंस को जानते हैं, ना कोई यौगिक परम्परा को पालन करते हैं, तो सिंपल एक नास्तिक इंसान भी कैसे अपने मणिपुर चक्र को बैलेंस रखे, उसकी ऊर्जा को अच्छा रखे, ये मैं सिखाऊंगा, समझना। सबसे पहले हीलर्स क्या करें, अगर आप फर्स्ट लेवल रिकी के हीलर हैं या थर्ड लेवल रिकी हीलर हैं या ग्रैंड मास्टर हैं, तो डेली रूटीन प्रैक्टिस तो आप करते ही हैं। जो लोग डेली रूटीन प्रैक्टिस कर रहे हैं हीलिंग साइंस की, मतलब अपने सारे सिम्बॉल्स को अपने हथेलियों में बनाकर एक एक सिम्बॉल पर रख कर तीन तीन मिनट का ध्यान कर रहे हैं, उनको तो ये तकलीफ नहीं होगी, फिर भी किन्हीं कारणों से कभी कभी मणिपुर चक्र वीक हो जाता है, तो आपको वही सारे सिंबल्स को अपने हाथों में बना करके ध्यान लगाना है अपने मणिपुर चक्र पर। लेफ्ट हाथ सीधे चक्र पर, राइट हैंड लेफ्ट हैंड के ऊपर, अब ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ, बिल्कुल ऐसा। उसके बाद एक बीज मंत्र जो हम कर सकते हैं, हीलर्स भी करते हैं, रम शुरुआत में 21 बार करें, फिर 9 बार, फिर 3 बार में आके रुक जाए, मतलब कि शुरुआती दिनों में 21-21 बार करें, फिर धीरे से 9-9 बार करें, और उसके बाद रेगुलर अभ्यास में 3 बार आप करें, इससे आपका मणिपुर चक्र बैलेंस होगा, इसमें ऊर्जा बढ़ेगी। ये तो हो गया हीलर्स के लिए। अब नॉर्मल योग करने वाले जो योगी हैं, जो ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं,
उनके लिए ये बहुत है। उनके पाम से अपनी हथेलियों को यहाँ रख करके ना करें वो, क्योंकि उन्हें इसकी प्रैक्टिस नहीं है। तो इसी बीज मंत्र को, जिसे हम रम का नाम दिए हैं, जो कि मणिपुर चक्र का है, पीले रंग का है ना, तो आप भ्रामरी प्राणायाम करें, क्योंकि आपको योग का अभ्यास है। बेटा ये सिर्फ अभ्यास की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि कोई ये वो नहीं कर सकते, वो ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ। तो भ्रामरी करें, दोनों कानों को कानों में दबाएं, आँखों में रखें, मतलब ये बीच वाली उंगली आँख पे, दो उंगली आँख के नीचे और एक उंगली भौं पे, और उसके बाद रम आपका पूरा का पूरा जो खोपड़ी है, स्कल है, अंदर से वाइब्रेट हो जाएगा, तुरंत ही असीम शांति का अनुभव होगा, तुरंत ही आप हाई हो जाएंगे, जिसे हम योगिक हाई कहते हैं। 3 से 6 बार का इसका अभ्यास करें गहरी सांस लेकर के, तो ये आपके मणिपुर चक्र को ऊर्जा से भरेगा। साथ में योगी एक काम हमेशा करें कि मणिपुर चक्र को ऊर्जा देता है सूर्य, तो खाली पैर जमीन में चलें सूर्य की रोशनी में। सबसे अच्छा सूर्य की रोशनी जो होता है वो है सुबह 9 बजे से पहले, और उससे थोड़ा कम अच्छा होगा शाम को 5 से 6 बजे के बीच में, मतलब कि ढलता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज। उगता हुआ सूरज आपको सबसे ज़्यादा बल देगा। देखो मैं एक बात सिखाता हूँ अपने क्लासेस में, अपने सेमिनार्स में, अपने सेशंस में, कि बेटा हम को लगता है कि हम सूर्य से दूर हो गए, सूर्य की रोशनी से दूर हो गए। सूर्य की रोशनी कहीं ना कहीं हम तक पहुँच ही जाती है, खिड़की के माध्यम से, दरवाजे के माध्यम से, लेकिन हम असल में दूर किससे हुए हैं, धरती से। हम रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, टाइल्स पे, घर पे भी, ग्राउंड फ्लोर पे भी रहते हैं तो भी टाइल्स पे, सीमेंट पे, डामर पे चलते हैं, खाली पैर भी चलते हैं तो डामर पे चलते हैं, या शूज़ पहन के चलेंगे, चप्पल पहन के चलेंगे। तो मणिपुर चक्र को ऊर्जा से भरने के लिए उसकी खराब ऊर्जा को ड्रेन करना बहुत ज़रूरी, इनफैक्ट सारे चक्रों की ऊर्जा को ड्रेन करना बहुत ज़रूरी है। तो खाली पैर ज़मीन पर ज़रूर चले, मिट्टी में, घास में, बालू में चलें, गार्डन में जाएं, और सूर्य की रोशनी जिस टाइम है सुबह सुबह 6, 6:30, 7 बजे, 8 बजे दिव्य हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा, चेहरा कांति से भर जाएगा, शरीर आपका ऊर्जा से भर जाएगा, आपका आभा मंडल आपका और प्रभावशाली हो जाएगा, सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी एक्स्ट्रा एनर्जी, पुरानी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, जमीन में चली जाएगी, और नई ऊर्जा सूर्य से आपको प्राप्त होगी। और आपके ध्यान प्राणायाम से ये काम वहीं जाके कर लीजिए, गार्डन में जा करके, और देखें ना कुछ ही समय में मणिपुर चक्र आपका शक्तिशाली बन जाएगा। तीसरा है आम जनता क्या करे, जो ना तो योग करना जानते हैं ना ही वो हीलिंग साइंस के प्रैक्टिस करना जानते हैं। आपके लिए बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट, देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ये बाकियों के लिए भी है, मतलब हीलर्स के लिए भी है, योगियों के लिए भी, लेकिन योगी और हीलर्स के पास कुछ तो है। आम जनता फास्टिंग करें, 12 से 16 घंटे की फास्टिंग, जैसा कि मैंने बताया था, ये आपके लस्ट की वजह से, आपके वासना की वजह से, आपके खाने की भूख की वजह से, बहुत ज़्यादा खाने की वजह से ही कमज़ोर होता है। तो फास्टिंग सबसे बेस्ट तरीका है, 12 से 16 घंटे, शुरुआत 12 घंटे से करें, बहुत आसान है। 8 बजे रात को खाया, सुबह 8 बजे तक कुछ भी नहीं खाया, नो चाय नो कॉफ़ी, 8 बजे खा लिए, सुबह 8 बजे तक कुछ नहीं खाए। गलती से अगर 9 बज गया रात को खाने में, तो अगले दिन 9 बजे तक कुछ ना खाए। कोशिश करें कि शाम का खाना जल्दी से जल्दी हो जाए, 8, 7, 6 ऐसा करें, तो इधर आपके पास ज़्यादा टाइम रहेगा। और धीरे से आप 8 को 12 को 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे और 16 घंटे में पहुंचा लें। अगर आपने 16 घंटे की फास्टिंग कर ली, तो बेटा इंटरमीडिएट फास्टिंग कहते हैं इसे, ये आपको यौगिक ग्लो, जिसे कहते हैं यौगिक ग्लो, से भर देगा, चेहरा ऐसे चमकेगा, धमकेगा, आभा मंडल चमकेगा, हाँ शरीर का मोटापा धीरे धीरे कम हो जाएगा, फालतू चर्बी चली जाएगी, मसल मास बढ़ेगा, फैट कम होगा,
हर मायने में जॉ लाइन शार्प हो जाएंगे, चिक बोन्स निकल के बाहर आएंगे, चेहरे में एक लालिमा रहेगी। हाँ, आप किसी भी कलर कम्प्लेक्शन के साथ हो, आप गेहूं रंग के हो, आप सांवले रंग के हो, आप गोरे रंग के हो, आप दमकेंगे। इतना खूबसूरत करता है ये फास्टिंग। साथ में मणिपुर चक्र के लिए आपको एक क्रिस्टल पहनना चाहिए, येलो सिट्रिन। बहुत अच्छा क्रिस्टल है जो कि सिर्फ मणिपुर चक्र के लिए सबसे अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मणिपुर चक्र के लिए, आपकी बहुत सारी ऊर्जा को ये मैनेज कर लेता है, लेकिन मणिपुर चक्र के लिए इसे स्पेशल माना गया है। हम मानते हैं, मैं इसे जब भी किसी के मणिपुर चक्र को कमज़ोर माना हूँ, देखा हूँ, तो येलो सिट्रिन ब्रेसलेट के फॉर्म में या माला के फॉर्म में हमने इन्हें रिकमेंड किया है, जिससे बहुत जल्दी फ़ायदा हुआ है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि शुरुआत में तो फास्टिंग हो ही नहीं पाती, प्राणायाम हो ही नहीं पाता, योग करना आता ही नहीं, सुबह उठा जाता ही नहीं, तो कम से कम येलो सिट्रिन पहन के इससे अपनी ऊर्जा को बैलेंस कर लीजिए। देखो बेटा, ऐसा है, मणिपुर चक्र से ही जीवन में सुख समृद्धि शांति बरकत मान सम्मान वैभव जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने मणिपुर चक्र को बैलेंस करें। आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते जी।